हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत से संबंधित सवाल ले लेते हैं। इस किस्म के सवाल अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, आसान होते हैं। आप थोड़ी सी सूझबूझ और मेहनत के साथ इन्हें बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, इफ़ ए पर्सन बॉट एन आइटम फॉर ₹96 एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम वॉज। एक आदमी ने एक सामान 96 रुपीज में खरीदा और उसे 12.5% प्रॉफिट पे बेचा, तो उसके बेचने की कीमत क्या होगी? आसान है, सेलिंग प्राइस होगी खरीदी हुई कीमत प्लस जो प्रॉफिट का परसेंटेज है। 12.5% दिया हुआ है, 12.5% इंटू 96, 12.5% और 96 इसको करेंगे तो आ जाएगा 12। 12.5 को अगर हम इससे डिवाइड करें, 12.5 इंटू 2 25 होता है, मुझे याद है अपनी मेमोरी से, इसलिए 25 इंटू 4 होता तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 8 डिवाइडेड बाई 96 12 आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा। 108 यहाँ पे दिया हुआ है, सही सवाल है, सिंपल फार्मूला लगाना है, छोटी सी कैलकुलेशन है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सोहेल सोल्ड एन आइटम फॉर ₹351 ₹351 एट ए लॉस ऑफ 22%, द कॉस्ट प्राइस अब द आइटम वाज। सोहेल ने ₹351 में कोई सामान बेचा और उसका लॉस जो हुआ था, वो हानि जो हुई थी 22% थी। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस उस आइटम की कितनी थी? मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आरआरबी या कम्पिटेटिव एग्जाम पास करना है तो प्राइम नंबर से सावधान रहे, प्राइम नंबर आते रहेंगे, प्राइम नंबर आते रहेंगे। यहाँ पे भी प्राइम नंबर आया हुआ है और 351 देखते ही मेरे को लग रहा था ये प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। कॉस्ट प्राइस जो होगी, अगर सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, सेलिंग प्राइस 351 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और 22% ऑफ द कॉस्ट प्राइस को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 22 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 78/100, और ये 78 13 से कटेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 22% माइनस मतलब 78 आएगा, 22% माइनस बोलते ही 78 आएगा, और 78 13 का मल्टीपल होगा। इस साइड भी ये 13 का मल्टीपल है, 78 22% बोलने से भी 78 है, 22% देखते ही समझ जाइए कि 13 का परसेंटेज है, 13 का मल्टीपल आ जाएगा, ये एकड़ आएगा 27 हो जाएगा, बाकी और कुछ गणित में इसके बचा हुआ नहीं है, तो 13 से यहाँ पे यहाँ काट देंगे तो 27 हो जाएगा, 13 से इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा, 6/100 × 27 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 450 है। इसी किस्म का दूसरा ये होता है 15% प्लस और 15% माइनस, 115 और 85, ये 23 और 17 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर से आप लोग सावधान रहे, उनको ध्यान में रखें। अगला सवाल देख लेते हैं, आसान सवाल था, 450 आया कैलकुलेट करके, ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक और आसान सवाल ले लेते हैं। कमर गेंड 16% ऑन रिसेल ऑफ ए यूज्ड स्टीरियो, इफ ही परचेज द आइटम फॉर ₹1500, हाउ मच डिड ही सेल फॉर। कमर को 16% का प्रॉफिट होता है अपना पुराना स्टीरियो बेचने पर, और उसने वो स्टीरियो ₹1500 में खरीदा था, तो उसने कितने में बेचा है? तो आसान है सवाल कि 16% हम निकाल लेते हैं 1500 का, और उसे 1500 में जोड़ देंगे, तो 1500 का 10% 150 होता है। मैंने बहुत कम कैलकुलेशन के साथ इसे करने की कोशिश की है, तो 1500 का 10% 150, 6% 15 × 6 = 90, 90 तो 16% 1500 का 240 हो जाएगा, 240 और यहाँ जीरो रह गया है, 1500 प्लस 240 करेंगे तो 1740 आ जाएगा, ये सही जवाब है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद, थैंक यू।